एक बाइट इसको चेक जरूर करूंगा मैं। यस आई विल बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन जेएसके ब्लॉग। दोस्तों हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ पोर्टलुस में और आपको ओवरव्यू कराने वाला हूँ पोर्टलुस के बंदरगाह का, जहाँ पे दोस्तों यहाँ भी टूरिज्म प्लेस है। यहाँ कैसे मॉल है छोटे छोटे और वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। आप मॉरिशस में विजिट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कहीं पे जॉब अवेलेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो भी मॉरिशस आपके लिए अच्छा रहेगा कंपेयर टू अदर कंट्री। तो बने रहिए, चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं पोर्टलुस के लिए और रास्ते में ये अंकल जी मिल गए हमें, टैक्सी ड्राइवर हैं। अगर आप लोग इंडिया से आते हैं तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी टैक्सी बुक करवा के आप भी यहाँ टूरिज्म के लिए जितने दिन रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये है कि आपको नई गाड़ी लिए है अंकल, फॉर्चूनर टाइप की है, बहुत अच्छी गाड़ी है इनकी और बैठ के बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें। और इसका मतलब ट्रांसलेशन का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरी गाइडलाइन आपको, जैसे गाइडलाइन है यहाँ पे रखना पड़ता है, कोई आपको बताए यहाँ के बारे में, तो अंकल वो सारी चीज़ें भी आपको बताने वाले हैं क्योंकि इनकी हिंदी बहुत अच्छी है और ये प्रॉपर हिंदी बोलते हैं। गाइज, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगे यहाँ का कुछ पोर्टलुस का सीन है। ऐसे ही सॉन्ग वॉन्ग चलता रहता है, ये ज़्यादा चीज़ें नॉर्मल ऐसे गाने गाते हुए मिल जाएंगे। ये लोग कुछ पैसे के कलेक्शन के लिए बैठ के ऐसे गाने गाते हैं यहाँ पे, आगे बैग रखते हैं पैसे वगैरह डालते हैं। ये मॉरिशस का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है पोर्टलुस। अगर आप मॉरिशस आते हैं आपको इन सब चीज़ों का मनोरंजन ज़रूर मिल जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ बैंक और वहाँ से कुछ पैसे निकालूंगा। मॉरिशस आते हैं तो आपको ट्रैफिक रूल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो आपको फाइन लगेगा और बहुत ज़्यादा लगता है फाइन यहाँ पे। तो अगर आप ट्रैफिक वगैरह यातायात नियमों का पालन कर सकते हैं तो ज़रूर आए, मॉरिशस आपके लिए बहुत अच्छा प्लेस है। मगर आप अगर ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं कर सकते तो शायद आपके लिए थोड़ा कम सही कंट्री हो सकती है मॉरिशस। ये देखिए ऑडी वगैरह ऐसे यहाँ पे दिखना आम बात, ये देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे है एटीएम, एमसीबी, आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। ऐसे दोस्तों हरी बत्ती हो जाने पे आपको क्रॉस करना होता है रोड। तो गाइज, मैं आपको अपनी वीडियो में हमेशा पैसा इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप मॉरिशस में सच में पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोगों का मिथ से झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे पैसे कम बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आपको लाना नहीं चाहते, रियलिटी ये है। अगर कोई पैसा नहीं कमाएगा दोस्तों तो आपको मतलब इतने साल यहाँ 8-8, 10-10 साल क्यों पड़ा रहेगा। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पोर्टलुस की राजधानी कोडो में। आपको यहां का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं। यहां भी टूरिज्म आते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है, पार्किंग एरिया है, बहुत ही गजब का प्लेस है। आपको इधर पीछे दिखाता हूं, देख लीजिए फॉरेनर लोग इधर आ रहे हैं कैसे, जहाँ पर वाटरफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी फॉरेनर की जो है शिपें खड़ी हैं, पर्सनल शिप है, किसी मतलब जो लोग पर्सनल विजिट करते हैं अपने शिप से आते हैं यहाँ पर उनकी है। दोस्तों यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं ऐसा है। अभी यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके से कुछ बैठे हुए हैं, ये पार्किंग जोन है। यहाँ पे किसी की पर्सनल वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, हमारी टीम है हमारे साथ में। ये अभी मैं यहाँ का आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हैं एज ए टूरिज्म तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा फील होने वाला है। ऐसे नाए वगैरह खड़ी रहती हैं, यहाँ पर पार्क एरिया है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, पीछे कार पार्किंग होती है जहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है यहाँ का, आप लोग आके विजिट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर जगन्नाथ जी हैं यहाँ के, तो वो भी उनके पूर्वज जो है अपने इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, वो भी अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। यहाँ की, यहाँ पे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज क्रियोल है,
और फ्रेंच बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं बहुत से लोग। ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको आके यहाँ पे। सो आपको एक बार ज़रूर मॉरीशस में विजिट करना चाहिए। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का होटल है, मे बी ऐसा सुनने में आया है, मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ये उनका होटल है। यहाँ पे बंदरगाह की फ़ोटो है, वहाँ पे शिप्स आती हैं, कंटेनर जो अनलोड होते हैं, बड़े बड़े जो बाहर देशों से मंगाए जाते हैं सामान, सुख है, और फिर यहाँ से लोड होके बाहर देश में जाते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सब सारी शिपें हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिपें, हम दूर से आपको दिखा रहे हैं इसलिए आपको ऐसा छोटी लग रही होगी, बट ये बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं। आप लोग देख सकते हैं ये इतनी बड़ी शिप को, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पीछे, बहुत ही इमेजिंग प्लेस है, आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा पीसफुली फील करने वाले हैं। और टूरिज्म बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं यहाँ पे, होटल्स भी हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ होटल्स, खाने पीने के लिए होटल्स हैं। हम लोगों के अफोर्डेबल नहीं है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो पक्का एक दिन इसमें दो चार दिन तो रुक जाएंगे हमारी टीम को लेके, है ना। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के मिड ऑफ कोडोवे, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला, ऊपर जो है छाता बहुत ज़्यादा टांगा गया है ऐसे छाते, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे फॉरेनर दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जूस की फल की दुकान है, आप यहाँ पे जूस वगैरह पी सकते हैं आप यहाँ आएंगे तो। मतलब मॉरीशस पूरा टूरिज्म प्लेस है, आप लोग देख सकते हैं, तो आपको आओ दिखाते हैं। अगर आपको सेब वगैरह लेना है जहाँ से फ्री में खा सकते हैं, फ्री में से नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका है प्राइस, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपको अगर फ्रेश जूस वगैरह पीना है यहाँ से आप लोग खरीद कर पी सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहीं से शूटिंग हुई है आपकी, किसी डिस्को में जाएँ सॉन्ग की, और यही प्लेस है वो, ठीक। तो आप लोग यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको आना चाहिए ऐसी जगह, ऐसे कंट्री में आए, अगर आप जॉब के पर्पज़ से भी आते हैं तो आपको बोरिंग ना फील हो, ऐसे प्लेस पे आपको आना चाहिए। कुछ ऐसा सीन है मॉरीशस का, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ के मॉल में, जो दिखाते हैं यहाँ की प्राइस क्या रहती है अगर आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कम। ये क्लर्क्स वगैरह के शूज रखे गए हैं, ये देख लीजिए, फ्लैट्स वगैरह के, इन लोगों के ये बहुत एक्सपेंसिव शूज हैं, आप अगर यहाँ से लेना चाहते हैं सेम यही चीज़ आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। 2900 रुपीज़ की एक सैंडल रखी गई है, आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों इंडियन 5000 से भी महंगी है, सिर्फ एक जोड़ी जूती है, आप लोग देख सकते हैं लड़कियों की, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। और दिखाता हूँ आपको, this is vegetarian, yes. What is the price of this one? 25 rupees, yes. Per, yes. This is 15 rupees, this is also rice, rice and coconut, rice and coconut, yes. And this one is rice, see, rice and milk, oh, yeah. Okay, yeah. And in Tamil, no, from India, I'm, yeah. Tamil teacher, yes. You can speak in the Tamil, you can speak in. Okay. एक बाइट इसको चेक जरूर करूंगा मैं। Yes, I will buy. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
कोडो में जो होटल्स हैं कुछ इस तरीके से हैं होटल्स, यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ लोग आते हैं, बैठते अपना टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरे के साथ खाना पीना ये सब चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ओपन होटल है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बगल में समुंदर है और ऐसे होटल बनाया गया है। ये कोडो की सीन था मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो होटल है ये नाव पे बनाया गया है, पद कपल हैं कुछ भी अकेले भी आते हैं तो भी, ये आपके लिए बहुत पीसफुल प्लेस है और आप ऐसे बैठ के कुछ भी खाना पीना हुआ अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये शिप का नंबर है। कुछ भी लाके खाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये समुद्र का जो सीन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है। हर जगह आपको पूरे मॉरिशस में नीट एंड क्लीन प्लेस मिलने वाला है, तो आप लोग कहीं भी बैठ के आराम। ये देखो एक फॉरेनर की एक छोटी सी बच्ची है, वो तोप पे चढ़ के बैठी हुई है। तो गाइस ये जो था आपको पोर्टलूस में कोडो का, सिर्फ कोडो का ही हमने एक सीन कैप्चर किया। पूरी तरह से कोडो को अभी जो है सीन ले नहीं पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अब बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, सच बता रहा हूँ आपको। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब।